सो हेलो गाइज, मैं हूं विकास और फाइनली एक और वीडियो आपके लिए आ गई है। आपसे पहले एक स्क्रीन वीडियो डाली थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। और यार कमेंट बहुत ज़्यादा आप लोग नहीं करते हो, मेरी आपसे शिकायत है। कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा आपको कंटेंट कैसा लग रहा है और आगे मुझे किस तरह का कंटेंट बनाना है। तो प्लीज़ यार कमेंट किया करो। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फॉरवर्ड स्लैश के बारे में। जब आप इंटरनेट पर कोई वेबसाइट ब्राउज करते हैं अपने डेस्कटॉप या फिर मोबाइल ब्राउजर में, तो वहाँ पर एड्रेस के बीच में जो आपको सिंबल्स दिखाई देते हैं उन्हीं में से एक सिंबल होता है फॉरवर्ड स्लैश। आप इस वीडियो में देख सकते हैं फॉरवर्ड स्लैश कुछ इस तरह का यहाँ पर होता है। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है और क्या कुछ ये काम करता है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर जानते होंगे जो एक वेबसाइट होती है वो बनी होती है काफ़ी सारे पेजेस में, जहाँ पर एक होता है आपका होम पेज और बाकी हो सकते हैं आपके सर्विस पेजेस या फिर कैटेगरीज। तो आप होम पेज को तो बड़े ही आराम से किसी भी वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पर टाइप करके ब्राउज कर सकते हैं। अब उसके बाद में बाकी के जो आपको पेजेस होते हैं उनको ब्राउज करने के लिए यहाँ पर आपको हेल्प लेनी होती है फॉरवर्ड स्लैश की। यानी कि आपने एक वेबसाइट खोल ली, उसके बाद में आपका जो होम पेज का एड्रेस है वो आपके जो एड्रेस बार होता है वहाँ पर आ गया। अब उसके बाद में आपका जो आप देखते होंगे वहाँ पर आपको लगाना होता है फॉरवर्ड स्लैश। और उसके बाद में जो भी पर्टिकुलर पेज आपको, जैसे कोई भी आप जाते हैं किसी वेबसाइट के अबाउट सेक्शन में, कॉन्टैक्ट अस टैब में या फिर किसी भी अनदर पेज पे आप जाते हैं, तो उसके लिए आपको होम पेज के एड्रेस और उस पेज के एड्रेस के बीच में देना होगा फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ पर आप उस पेज को ब्राउज कर पाएंगे। अब देखिए ये काम आप मैन्युअली चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली आजकल कोई करता नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना होता है, आप गए उस वेबसाइट के होम पेज पे, वहाँ पर आपको सारे के सारे लिंक्स बड़े ही आराम से नजर आते हैं उस वेबसाइट पे, और आपको उन लिंक्स में से कोई भी एक लिंक जो कि आप ब्राउज करना चाहते हैं उसको वहाँ पर कर देना होता है क्लिक। और क्लिक करने के बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज है वो वहाँ पर खुल जाता है। और जैसे आप उसके एड्रेस पर ध्यान देंगे तो वहाँ पर जो आपका करंट पेज है वो और जो आपका होम पेज पहले आपने ब्राउज किया था उसके बीच में आपको दिखेगा एक फॉरवर्ड स्लैश, जो कि काम करता है आपका एक ब्रेक के तरह पर। यानी कि आपका जो होम पेज का एड्रेस होता है वो वहाँ पर हो जाता है ख़त्म और उसके बाद से एक नए पेज का एड्रेस वहाँ पर शुरू होता है। अब अगर देखिए मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर देकर समझाता हूँ, तो ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे आपके घर का एड्रेस होता है। अब इसमें क्या होता है, आपका सबसे पहले आपका जो भी अपार्टमेंट नंबर होता है या फिर आपका हाउस नंबर होता है वो वहाँ पर आता है, फिर उसके बाद में जिस भी स्ट्रीट पर आप रहते हैं या किसी भी गली मोहल्ले में आप रहते हैं तो वहाँ का एड्रेस। तो आप किस तरह से लिखते हैं, जैसे आपका हाउस का नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया 555 हो गया, तो उसके बाद में आप लगाते हैं कॉमा, फिर उसके बाद में आपका स्ट्रीट नंबर जो भी है 1, 2, 3, 4 इवन, तो आप वहाँ पे लगाते हैं एक कॉमा, फिर उसके बाद में आप एक कॉमा लगाते हैं जहाँ पर आपका जो भी लोकेलिटी होती है, जो भी आपका एरिया होता है उसका आप नाम वहाँ पर लिख देते हैं, और फिर इसी तरह से एक और कॉमा आपके सिटी का नाम, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट और आपका पिन कोड वगैरह। तो जैसे यहाँ पर एक एड्रेस को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट एड्रेस बताने के लिए आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही वेबसाइट्स के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश। तो एक पेज आपका ख़त्म हो गया, उसके बाद में आपको लगाना फॉरवर्ड स्लैश ताकि आप उस पेज को वहीं पर रोक करके उसके नेक्स्ट पेज को ब्राउज कर सकें। तो इसी तरह से फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पर काम करता है, और जितने ज़्यादा पेजेस आप ब्राउज करेंगे आपको उसके बीच में फॉरवर्ड स्लैशेस भी उतने ही ज़्यादा यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है और कैसे ये काम करता है और किस तरह से आपके काम को आसान बनाता है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बैक स्लैश के बारे में। बैक स्लैश भी यहाँ पर होता है जो कि अपोजिट होता है फॉरवर्ड स्लैश के लिए। अब ये बेसिकली कहाँ पर काम आता है, विंडोज़ जब आप ब्राउज करते होंगे, मैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, उसमें जब आप जाते होंगे माई कंप्यूटर या फिर दिस पीसी वाले सेक्शन में, तो उसके बाद में आप कोई भी यहाँ पर सपोज़ कीजिए आप जाते हैं अपने ड्राइव सी के अंदर, वहाँ पर आप जाते हैं कुछ फोल्डर्स के अंदर, तो इसी तरह से हर ड्राइव के अंदर पहले आपको ड्राइव का एड्रेस होगा, फिर उसके बाद लगेगा बैकवर्ड स्लैश, फिर आपका फोल्डर जिसमें आप गए हैं, फिर उसके अंदर अगर कोई और फोल्डर है उसको आप ओपन करते हैं तो फिर से उस एड्रेस के बीच में एक बैक स्लैश वहाँ पर लगेगा। तो इस तरह से जो आपके ड्राइव का, जो कंप्यूटर के ड्राइव का एड्रेस होता है उसको वहाँ पर एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है बैकवर्ड स्लैश, और जो आपका वेबसाइट पर होता है वहाँ के एड्रेस के लिए आपको यूज़ करना होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश दोनों ही समझ में आ गया होगा। बेसिक जो था हमारा, जो कॉन्सेंट्रेट था इस वीडियो में, वो था फॉरवर्ड स्लैश के तरफ। अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन अभी भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यार कमेंट ज़रूर किया करो ताकि मुझे पता चल सके मैं वीडियोस अच्छे बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ और आपको किस तरह के वीडियोस यहाँ पर चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।